तो गाइस अभी कान्हा जी कर रहे हैं रेस्ट रेस्ट क्या विश्राम। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। और प्रिया बोल रही है कि मेरे को आज राधा बनने का है, तो कोई बात नहीं, अपन भी कृष्णा बनेगा। तो अब हम तैयार होते हैं, उसके लिए मेरे को तैयार होना पड़ेगा क्योंकि मेरी दाढ़ी, मेरे बाल थोड़े हो रखे हैं ना, मतलब गंदे से। सो दैट्स वाई मेरे को जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, तब तक आप प्रिया से मिलो। तो गाइस अभी नहा धो तो लिया है मैंने, अब जल्दी से जाते हुए मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ और कान्हा जी को थोड़ा नहला धुला देती हूँ। तो फिर उसके बाद हम मिलते हैं, तैयार भी होना है हमने, राधा जी और कान्हा जी का ड्रेसअप करना है और उसके बाद वीडियोस बनानी है। तो आप ब्लॉग में बने रहना, आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा। तो अब मैं जल्दी से जाती हूँ पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। अब मैंने रेडी होना है राधा की तरह, तो मैंने ये पहनना है, ये वाला लहंगा पहनना है। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पार्लर भी सारा सेट हो गया है, सारा सामान वैसे ही सेट कर दिया जैसे वहां पे पार्लर पे था। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी समझ गई हूँ कि वहां भी शायद कुछ नहीं होना होगा, यहाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा होना होगा, इसलिए घर पे आ गया मेरा सामान। बट कोई नहीं, अब जो मेरे कस्टमर देख रहे हैं वो यहाँ आ सकते हैं और जो नए देख रहे हैं वो भी आ सकते हैं। तो अब बहुत लेट हो रहा है, शाम को हमें मंदिर भी जाना है दर्शन के लिए। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कृष्ण मंदिर, तो वहां बहुत भीड़ होती है। तो हम सोच रहे हैं आज सारे के सारे पूरी फैमिली जाएगी दर्शन करने के लिए, झूला झुलाने के लिए कान्हा जी को। तो अब मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, फिर इनको भी बोलती हूँ रेडी हो जाओ, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि। तो आपसे रेडी होके मिलते हैं। गाइस मैं कटिंग करा के आ चुका हूँ और एक बार फिर से गाइस यहाँ पर पीछे नंबर दिख रहा होगा जैसे ब्लॉग में आया था, इस बार मैं ब्लर कर दूंगा, पहले मैं करना भूल गया था। तो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया तो हमने ब्लर कर दिया, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, डू यू लव गाइस, तैयार हो गई है कुड़ी, देखो। ओह ये है, रहा नहीं जाता, तरफ ही ऐसी है, हैं थोल तो भुंडू जैसे बना रहे सेम किया तूने, मैंने रखा ये देखना रखा। तो ये लड़की पहन के बनेगी सोनी सोनी। गजरा ना रखा? गजरा नहीं मिला, यही था सिर्फ, इसमें नहीं मिला मेरे को सही में गजरा। और मुझे देख लो गाइस, मैं तैयारी नहीं हूँ अभी तक, अभी कृष्ण जी भी तैयार होएंगे फिर मजा आएगा। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मुझे ध्यान आया कि मेरे सिनेमेटिक तो रह गया, अगर मैं उनको कपड़े दूंगी तभी तो वो तैयार होंगे, जब तक मैं कपड़े न दू ना तब तक वो तैयार ही नहीं होते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ उनको कपड़े देती हूँ, फिर उनको बोलती हूँ फटाफट से आओ मेरा सिनेमेटिक बनाओ। माँ गो टुरु लव, तो कृष्ण जी तैयार हो गए और हमारे साथ हमारी राधा। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अभी ये कान्हा जी ने इनको रेडी मैं करूंगी और हमारी दूसरी ये देखो ये कल राधा बनी थी। तो गाइस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं कर रही हूँ इनको रेडी, ये मेरे बिना तो मेरे बिना तो ये रेडी होंगे ही अपने आप से, ये रहा नहीं जाता यार। कान्हा जी तो वो होते ना सांवले होते ना, तो मैं आपको वाइट क्यों बना रही हूँ यार, मैं पहले से इतना वाइट हूँ। तो गाइस बताओ कौन अच्छा लग रहा है, राधा अच्छे लग रही है या कृष्ण जी अच्छे लग रहे हैं? पर ऐसे दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, मेन बात तो ये है। हाँ तो मैं सीधे रेडी करके दिखाती हूँ, पंखा चला लूँ, गर्म हो रहा है बहुत। ओ ये गाइस देखो मैं रेडी हो चुका हूँ, कृष्ण जी रेडी हो गए, राधा ने रेडी कर दिया है और अब हम लोग जाने वाले हैं। प्रिया और मैं बाहर कहीं शूट करके आते, रील वगैरह बना के आते, फोटो शूट करके आते। और गाइस पूरा दिन आज मैं और प्रिया इसी लुक में रहने वाले हैं और ऐसे हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, कृष्णा मंदिर जाना है हमने। और बस अब जाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, हमारा रथ। तो हमारे कान्हा जी तैयार है गाड़ी लेके, तो देखो हमारे राधा जी आइए, आ गई कान्हा जी, आइए 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 आइए, हमारे रथ में बैठिए। ये ओ माय गॉड टुरु लव, ये है रहा नहीं जाता। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं
फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए। बता दिया मैंने, बता दिया वे यार। चलो ठीक है फिर, अब हम निकल चुके हैं और कान्हा जी सीट बेल्ट बांध लो ठीक है। हाँ। अभी आप असली वाले कान्हा जी नहीं हो। अभी बांध रहा हूँ। ये भी जरूरी है, सही बात, जरूरी ही है। हमने सिर्फ ड्रेसअप किया, उनकी जगह नहीं ली है। चल ठीक है, सीट बेल्ट पहननी पड़ती है भाई। सही बात, सीट बेल्ट उस टाइम पे कार होती ना वो भी जरूर पहनते, रथ थी ना रथ। हाँ। तो रथ में क्या ही सीट बेल्ट होगी। तो गाइज हम गए थे अपनी लोकेशन में, पार्क है वहाँ पे बहुत अच्छा, तो वहाँ पे लगा हुआ था लॉक, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। वहाँ पे दो थे सिक्योरिटी थी ना। हाँ। और उन्होंने बोला आप जाके दफ्तर से चाबी लेके आओ उनके ऑफिस से, फिर हम ये देखो अब यहाँ आके वापस आके चाबी लेके आए। और यहाँ यही 5 बज गया, हमें 6 बजे घर पहुँचना है। एक भी फोटो क्लिक नहीं हुई है, एक भी वीडियो क्यों लगा मैं आपको बताऊँ। रास्ता देखो, ये देखो जैसे पता नहीं लद्दाख आ गए हम, रास्ता बहुत खराब है। तो अभी हम जाते हैं, फिर ताला खुलवाते हैं, फिर उसके बाद ही होगा कुछ वीडियोस वगैरह फोटो तभी होगी ना? और आधे घंटे के लिए मिले सिर्फ हमको चाबी स्पेशल, वो भी कृष्ण राधा बने हुए ना इसलिए मिली है। तो अभी सोचा इतने तैयार होके आए, चलो दे ही देते चाबी। तो थैंक यू, उन्होंने मतलब इतना मान रखा, वापिस नहीं भेजा हमें। और आए भी कितनी दूर है हम, वही तो वही हमने उनको बोला हम बहुत दूर से आए हैं, तो कहते हैं चलो यार ले जाओ कोई बात नहीं। और अंदर से ताला लगाना, उन्होंने ये भी बोला कि ताकि कोई और ना, सिर्फ स्पेशल हमारे लिए। वाह यार कान्हा जी थैंक यू, धन्य हो आप। तो गाइस हम आ गए हैं पार्क में, माते आड़े के पार्क में, जो हम आए स्पेशल, हमने खुलवाया है ये पार्क। देखो इतनी चलती है हमारी, ओए गल बात है। ये लहंगा संभालते हुए राधा जी, तेरा गले का टूट गया मंगलसूत्र। तभी टूट गया था, मैंने इसको डबल टेप से चिपकाया हुआ है। ये जाली है 300 रुपए वाला, इसलिए। और ये देखो असली है, असली 50 तोला। चलो आइए। तो मैं ऐसे बांसुरी बजाऊंगा, मेरी बांसुरी कहाँ है? बांसुरी हाजिर हो, देखा जादू कान्हा जी का। अब चल रहा है इसका शूट, देखो इसकी बारी है, अपनी बारी खत्म होगी। वो घूम रही है, घूम ना राधा को आगे चक्कर, इसने 5-6 टेक लिए, इसीलिए चक्कर है, इसलिए कहते हैं 1 टेक में करो। मैंने किया ही था, मुझे थोड़ी पता था, मैं तो तेज तेज घूमूंगी। चल अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चला जा। मोर बोल रहे हैं, मोर पंख भी गिरे हुए हैं यहाँ पे। आना उठ चल घटप। ओ गाइस अभी कान्हा जी कर रहे हैं रेस्ट। रेस्ट क्या? विश्राम। ये क्या होता है विश्राम? ये क्या होता है विश्राम? मतलब आराम फरमा रहे हैं अभी। रेस्ट भी आराम ही होता है यार, उस जमाने में रेस्ट नहीं था, उस जमाने में विश्राम चलता था। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी रील बनाई है, वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम में देखने के लिए, और फोटोज भी हमने काफी खींच लिए। तो हम लेट भी काफी हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो अभी हमने कृष्णा मंदिर भी जाना है, तो घर से फोन आ रहे हैं जल्दी आओ करके, सारे रेडी बैठे हुए हैं। तो अब हम भी ऐसे निकलते हैं और ऐसे जाएंगे मंदिर हम भी। हाँ कान्हा जी को प्यास लगी है, मेरे लिए नहीं बचाया, थोड़ा सा पी ले। तो गाइस वीडियोस बना के तो हम पहुंच गए थे घर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। तो अभी हम जाने कृष्णा मंदिर, और देखो हम लोग कैसे एक गाड़ी में इतने लोग फिट होके जा रहे हैं। ये देखो ये बैठे हुए इसके गोद में, ये हमारे कान्हा जी। कल ये बनी थी राधा, आज ये बनी है कान्हा। क्या बनी तो ये देखो, ओ बड़े कान्हा जी गाड़ी चला रहे। हम इतने लेट हो गए हैं ना, और वहाँ भी भीड़ लग गई होगी, अब पता नहीं दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब तो ये वहीं जाके ही पता लगेगा। और यहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर है, हमारी आवाज आपको आ नहीं रही होगी। और ये देखो कृष्णा, दो दो छोटे और बड़े दोनों।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अभी हम मंदिर से जैसे अंदर एंटर हुए तो मैंने इनको बोला कि मैंने मन्नत मांगनी है, तो और मैंने पहले भी मन्नत मांगी हुई थी, टूट गया ये, मैंने पहले भी मन्नत मांगी हुई थी और मैंने गांठ भी खोल ली थी, तो जैसे मैंने बोला मन्नत मांगनी है वैसे मेरे पास चुनरी आ गई मेरी, मैंने मन्नत मांगनी है। तो चलो वो मन्नत वो वहाँ मांगते हैं, वो वहाँ पे चुन्नी बांधते हैं। अभी बज गए हैं रात के 12:15 और हम लोग इस वक्त घर आए हैं, बहुत ज्यादा देर हो गए हैं। देखिए राधा रानी जी पूरी थक चुकी हैं, इस एक तो इसका व्रत था उस वजह से आंख भी नहीं खुल रही है, अभी इसको मैं उठा रहा हूँ 15 मिनट से, उठ जा एक दिन छोड़ दीजिए, आंख भी नहीं खुली अभी, देखो राधे सोने दो, क्यों अभी व्रत नहीं खोलना, इसने खाना नहीं खाना, इसने 12 बज गए ना, बजने वाला है, दे उठ जा फिर 12 बजने वाला है, लौट जा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो मैं हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट से गाइस सब्सक्राइब करना, बाय। सारे एक बार जरूर बोल रहे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और आप सब लोग बताना कमेंट करके हम दोनों की लुक आज की कैसी लगी, बाय बाय, गुड नाइट।